इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप लाइक ऐप में वीडियोस बना सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माई इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लाइक ऐप ओपन कर लेते हैं। ऐप ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आता है, तो हमको सबसे पहले सेलेक्ट करना है लैंग्वेज। तो यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, उसके बाद करते हैं कन्फर्म। तो यहाँ से जो है हमारा इंटरफेस आ जाता है लाइक ऐप का, जहाँ पर हमको अलग अलग तरीके की वीडियोज़ मिलती है जिसको हम देख सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप अपना वीडियो कैसे बना सकते हैं खुद का। तो उसके लिए आपको नीचे में कैमरे का आइकन दिख रहा होगा, तो इसमें क्लिक करिए। यहाँ से आपका कैमरा ओपन हो जाता है और उसके बाद मैं एक एक करके सारे चीज़ों को बताता हूँ जो जो इस इंटरफेस में है उनका काम क्या है और उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे ऊपर में जो स्विच का ऑप्शन आ रहा है उसमें आप अगर क्लिक करते हैं तो आपका कैमरा चेंज हो जाता है, यानी अगर फ्रंट कैमरा है तो बैक कैमरा ओपन हो जाता है, बैक कैमरा ओपन है तो फ्रंट कैमरा ओपन हो जाता है। टाइम में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आप कितने सेकंड की वीडियो बनाएंगे, ड्यूरेशन में 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, 60 सेकंड की। और काउंटडाउन में आप सेट कर सकते हैं कि शूट वाले आइकन में क्लिक करने के बाद कितने देर के बाद आपका वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, 3 सेकंड के, 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद। अब हम आते हैं पीछे और ब्यूटीफाई में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं अपना स्किन टोन और फिल्टर लगा सकते हैं अपने चेहरे पर। स्किन में क्लिक करने पर अपना स्किन टोन यहाँ पर आप बढ़ा घटा सकते हैं और फेस में क्लिक करने पर आपकी फेस की जो ब्यूटी है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में हमारा आता है स्पीड। अगर स्पीड में हम क्लिक करते हैं तो नीचे में आपको 4-5 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, स्लो, नॉर्मल, फास्ट, लैप्स और एक्स्ट्रा स्लो। तो अगर आपको स्लो मोशन बनाना है तो स्लो में क्लिक करिए, फास्ट बनाना है तो फास्ट में। तो इस तरीके से आप यहाँ से स्लो और फास्ट वीडियो बना सकते हैं। एक और ऑप्शन है रेशियो का। अगर आप रेशियो में क्लिक करते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस रेशियो का आपका वीडियो बनेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1:1 सिलेक्ट किया तो ऐसा हो गया है, अगर मैं 4:5 सेलेक्ट करता हूँ तो ऐसा, और अगर मैं फुल सेलेक्ट करता हूँ तो फुल स्क्रीन में हमारा वीडियो आ चुका है। फ्लैश में क्लिक करने पर आप फ्लैश को ऑन कर सकते हैं, इसकी लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आप नाइट में वीडियो बना रहे हैं। तो ये था पूरा राइट साइड का इंटरफेस। तो किसी भी वीडियो को बनाने से पहले हमको म्यूजिक सेलेक्ट करना होता है, कुछ डायलॉग्स या फिर कोई सॉन्ग, उसको सेलेक्ट करने के लिए आप ऊपर में क्लिक करिएगा सेलेक्ट म्यूजिक में, तो यहाँ क्लिक करिए। सेलेक्ट म्यूजिक में क्लिक करने पर आपको अलग अलग तरीके के म्यूजिक यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिस भी म्यूजिक का आपको अपने वीडियो में यूज़ करना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के म्यूजिक मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मैं ये म्यूजिक मुझको यूज करना है इस वाला, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा तो इसी म्यूजिक को हम अगर हमको यूज करना है तो हम क्लिक करेंगे अप्लाई एंड स्टार्ट शूटिंग, तो इसमें क्लिक करिए और ये हमारे वीडियो में अपलोड हो चुका है। और अब वीडियो शूट करने के लिए आपको बीच में जो शूट का आइकन दिख रहा है इसमें क्लिक करिए और यहाँ से जो है हमारा वीडियो शूट होना शुरू हो जाता है। फिर से हम वहीं पर टाइप करेंगे तो हमारा वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो जाता है, यानी वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको स्टिक वाले आइकन में क्लिक करना है, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा वीडियो आ जाता है। उसके बाद हम इसमें कुछ इफेक्ट्स यहाँ पर क्लिक करके डाल सकते हैं। अगर हमको साउंड को अगर ज़्यादा कम करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमको इसमें कुछ फिल्टर्स डालने हैं तो फिल्टर्स डाल सकते हैं वीडियो बनाने के बाद। और जब आपको वीडियो एडिट करना हो जाए तो आपको क्लिक करना है नेक्स्ट में। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने वीडियो का नाम लिख लेना है, सिलेक्ट टाइटल, यानी कि यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ माई वीडियो, आप अपने वीडियो का टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद सेव में क्लिक कर दीजिए ऊपर, तो ये हमारा वीडियो का टाइटल आ गया। उसके बाद आपको अगर पोस्ट करना है इसको लाइक के ऐप में तो आप पोस्ट कर सकते हैं, अगर आपको इसको सेव करके रखना है तो ड्राफ्ट में क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करने पर ये वीडियो आपको डाउनलोड हो जाता है आपकी गैलरी में। और पोस्ट करने के लिए हम पोस्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेंगे या लॉगिन विद फेसबुक करके हम अपना पोस्ट कर देंगे। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस कि कैसे आप लाइक ऐप में वीडियो बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, कि आप सीख गए होंगे लाइक ऐप में वीडियो कैसे बनाया जाता है। अगर वीडियो आपके काम किए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और ग्रुप में, और इसी वीडियो में लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।